यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूं अगर आप इंग्लिश में बेसिक लेवल पे हो रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग के तो आप पहले बेसिक लेवल पे ही परफेक्ट हो जाओ उसको फ्लुएंट कर लो एकदम से इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे भागने की कोशिश मत करो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप बेसिक रीडिंग भी ठीक से नहीं कर पाओगे हाय लेट्स रीड एन अदर पैसेज बट इस पैसेज को रीड करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पैसेज में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको साउंड से कैसे रीड कर सकते हैं और कितना ईजीली रीड कर सकते हैं सो द फर्स्ट वर्ड इज ख आर फ एन थर कारपेंटर कारपेंटर री फ एर्स रिफेयर्स रिफेयर्स नाउ इन दिस वर्ड इस वर्ड में आप ये डबल ओ की जो साउंड है उसको शॉर्ट साउंड बोलोगे ऊ व उड ए वु वुड एन वुडन वुडन बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड जनरली ये वाला वर्ड सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है पर ये बहुत ईजी है रीड करने में बिल्ड बिल्ड अब इस वर्ड को पढ़ने से पहले आप ये देखो ये लिखा है चर चर ये फोर लेटर्स की एक साउंड होती है चर फर्नीचर फर निचर फर्निचर इ डिफिकल्ट 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 इस वर्ड में लेटर जी साइलेंट है इसको रीड नहीं करेंगे स्ट्र ए थ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ. यह वर्ड ड्राइव इस वर्ड से बना है ड्राइव ड्राइव में जब हमें इंग लगाना है तो लास्ट का ई कट करके इंग लग जाता है यह बन गया ड्राइव इंग ड्राइविंग इसकी दो साउंड्स होती हैं आई ई मैक्सिमम वर्ड्स में ई e की साउंड बोली जाती है ई e की साउंड एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जितने भी फोर लेटर्स प्लस का वर्ड होता है कोई भी वर्ड जिसमें फोर लेटर्स से ज़्यादा होते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स हम इसको ई e की साउंड लॉन्ग ई की साउंड से रीड करते हैं इन दोनों लेटर्स को प ई पी स, पीस पीस यहां पर साइलेंट ई e का रूल यूज हो रहा है री खो आयर्स रिक्वायर्स रिक्वायर्स इस वर्ड में ए साइलेंट है स्ट ए डी स्टेडी स्टेडी अब ये वाला वर्ड ये देखो अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये बन गया ड्राइव और अगर एन लग गया लास्ट में तो हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना हमें सिर्फ इसकी साउंड से इसको रीड करना है ड्र -ए -व -ए ड्रिवन, ड्रिवन ड्रिवन इस वर्ड में इस लेटर ए को अ की तरह पढ़ना है बाकी सब साउंड से अ ग एन अगेन अगेन नाउ लेट्स रीड द पैसेज अ कारपेंटर मेक्स और रिपेयर्स वुडन थिंग्स अ कारपेंटर अब कारपेंटर कौन होता है अ कारपेंटर हु मेक्स जो बनाता है और या रिपेयर जो ठीक करता है वुडन थिंग्स वुडन मतलब लकड़ियाँ लकड़ी थिंग्स मतलब चीज़ें जो इंसान लकड़ी की चीज़ें बनाता है मेक्स या रिपेयर ठीक करता है उसको बोलते हैं कारपेंटर ही कैन ऑल्सो बिल्ड बिल्ड इंग्स बिल्डिंग्स मेक फर्नीचर और अदर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ वुड ही कैन ऑल्सो बिल्ड बिल्ड मतलब बनाता है बनाना बिल्डिंग्स मेक फर्नीचर फर्नीचर होता है टेबल चेयर बेड सोफा कैबिनेट्स अलमीरा उस सबको हम फर्नीचर में काउंट करते हैं उस सबको फर्नीचर बोलते हैं एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और दूसरी अलग अलग चीज़ें ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें अदर ऑब्जेक्ट्स मतलब अलग दूसरी दूसरी चीज़ें आउट ऑफ वुड वुड लकड़ी लकड़ी में से ही कैन ऑल्सो बिल्ड वो बना सकता है बिल्डिंग्स फर्नीचर और अलग अलग, अलग चीज़ें वुड में से वो बना सकता है कौन कारपेंटर हिज जॉब इज़ डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल मुश्किल हिज जॉब जॉब मतलब ये जो इसका काम है ये है कारपेंटर इसका जो काम है लकड़ी से बनाने वाली चीज़ों का काम ये बहुत मुश्किल वाला काम है ही नीड्स टू यूज हिज स्ट्रेंथ एज ही हैज़ टू यूज हिज हैंड्स टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क ही नीड्स टू यूज हिज स्ट्रेंथ as he has to use his hands to do most of the work strength matlab power takat ही नीड्स टू यूज़ उसको uh, अपनी पावर यूज़ करनी पड़ती है ही नीड्स टू ही हैज़ टू उसको बहुत पा अपनी ताकत अपनी पावर यूज़ करनी पड़ती है एज़ क्योंकि ही हैज़ टू यूज़ हिज हैंड्स उसको अपने हाथ अपने हाथ अपने मसल्स यूज़ करने पड़ते हैं टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क मोस्ट मतलब ज़्यादातर कामों के लिए उसको अपने हैंड्स यूज़ करने पड़ते हैं और हैंड्स वो उसको अपने हैंड्स में ताकत चाहिए वो काम करने के लिए लकड़ी का काम करने के लिए इवन ड्राइविंग अ नेल इन टू अ पीस ऑफ वुड रिक्वायर्स सम स्किल ड्राइविंग ड्राइविंग का मतलब ये नहीं कि गाड़ी चलाना यहाँ पर ड्राइविंग का मतलब होता है कि लगाना इवन ड्राइविंग अ नेल नेल मतलब कील ये जो छोटे छोटे कील पड़े हैं कील इवन ड्राइविंग अ कील मतलब एक नेल इवन एक, nail, एक न, एक कील एक नेल लगाना इन टू अ पीस पीस मतलब टुकड़ा किसी भी पीस ऑफ वुड एक लकड़ी के टुकड़े में एक नेल लगाना कील लगाना रिक्वायर्स मतलब मांगता है चाहता है सम स्किल्स कुछ स्किल्स होते हैं यानी कि कील लग पकड़ा और ऐसे लगा दिया हैमर से और हो गया नहीं उसको ठीक से लगाना है कैसे लगाना है इसके पीछे भी उसको पूरी स्किल्स लर्न करनी पड़ती है कि कैसे काम करना है कारपेंटर मस्ट हैव steady हैंड्स Steady मतलब स्टिल फर्म मजबूत ये नहीं हिलते हुए कांपते हुए हाथों से तो फिर वो कील ठीक से लगेगा नहीं कारपेंटर मस्ट हैव उसके जो हैंड्स हैं वो मजबूत और स्टेडी फर्म होने चाहिए ताकि कांपे ना काम करते हुए When ही हैज़ ड्रिवन इट इन जब उसने अब यहाँ पे ड्रिवन का मतलब ड्राइविंग का मतलब था की लगाना ड्रिवन मतलब लगा दिया वेन ही हैज़ ड्रिवन इट इन मीन्स लकड़ी के टुकड़े पीस ऑफ वुड में जब उसने नेल लगा दिया ही चेक्स टू सी दैट द वुड डज नॉट क्रैक नेल लगाने के बाद वो चेक करता है ये देखने के लिए कि कहीं वुड में क्रैक तो नहीं आ गया जब उसने हैमर से उस नेल को लगाया कहीं वुड में क्रैक तो नहीं आया टूटी तो नहीं Sometimes, sometimes समटाइम्स मतलब कभी कभी ही गेट्स हर्ट वाइल ही इज नेलिंग द वुड कभी कभी उसको चोट लग जाती है हर्ट मतलब चोट चोट लग जाती है वाइल वाइल मतलब दौरान इसके दौरान ही इज नेलिंग द वुड जब वो वुड में कील लगा रहा होता है तो उसको चोट भी लग जाती है एट टाइम्स एट टाइम्स और समटाइम्स इन दोनों का मतलब सेम होता है कभी कभी एट टाइम्स द नेल मे बी स्लैंटेड स्लान्ट मतलब टेढ़ा कील हमेशा ऐसे लगना चाहिए सीधा पर कभी कभी कील स्ल्ट हो जाता है लगाते टाइम हैमर से कभी कभी द नेल कील में बी स्लॉटेड स्ल्टेड मतलब टेढ़ा हो जाता है देन ही हैज टू टेक इट आउट एंड डू इट अगेन Then, मतलब फिर देखो की एंड डू इट अगेन और फिर से उसको नेल को हैमर से हथोड़े से उसको ठीक सीधा लगाना पड़ता है नॉज अ स्मॉल पैसेज फॉर बेसिक इंग्लिश रीडिंग ये एक छोटा सा पैसेज है फॉर बेसिक इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए पहले बेसिक रीडिंग पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो इस पे परफेक्ट हो जाओ फिर उसके सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की तरफ जाओ अगर आप सोचते हो कि सिर्फ थोड़े दिनों में बेसिक रीडिंग करके आप एडवांस लेवल पे जाओ तो आप बेसिक रीडिंग में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे एडवांस लेवल बिल्कुल नहीं सीख पाओगे ओके मार्क माई एडवाइस मेरी एडवाइस याद रखना नाउ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू प्रैक्टिस रीडिंग फास्टर इस वीडियो को दोबारा देखो और प्रैक्टिस करो इस इसी पैसेज को थोड़ा फास्ट रीड करने के लिए Bye bye for now!